Recently when I went to watch Veda and I came out and दूसरी हॉल से ना मेरी फिल्म की आवाज़ आ रही थी. I'm like, यार ये कितना surreal है. कुछ लोगों के फोन में मैसेज आ रहे हैं कि यार ऐसा लग रहा है कि फेस्टिव माहौल चल रहा है. तो मतलब यार ये सब चीजें हम सुनते थे. किसी एक की पिक्चर है जिस दिन वो होगी उस दिन ये फील हो जाए. फॉर मी राज इज द गाय आई सॉ व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग हिज एफटीआई डेज. फॉर मी अपार इज द गाय हु केम टू मी वाज अ पाजी. मैंने दंगल की पाजी एंड आई एम लाइक अरे यार. व्हाट आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट द फिल्म इज दैट इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने खूबसूरती से और इतनी आसानी से कह दी. जब विजय राज का वो सीन आता है ना कि स्त्री कौन है, पैरों की जूती है स्त्री, और when he says that, I remember for the first time people laughed, but then there was a pin drop silence. जो लो 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 जो पूरा करता है वो पूरा इम्प्रोवाइज किया उसने. उस इम्प्रोवाइजेशन को 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं. राजकुमार राव ने आई थिंक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महंगा इम्प्रोवाइजेशन किया है. बिकी प्लीज आई वांट टू आस्क यू द ओरिजिन, the genesis, just tell us everything. It's like रुला भी दिया इसको, हंसा भी दिया इसको इंटरव्यू में. Trending happening. I think it's amazing. Okay, we have Abhishek Banerjee in the house literally the week after Stree 2 has released. Please give him a huge round of applause. We want to first thank you क्योंकि यार बहुत इम्पोर्टेंट है जिस समय में हम जी रहे हैं. वी वॉन्ट पीपल टू मेक अस स्माइल, है ना. सो थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट जॉय टू आवर लाइव्स. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द फिल्म यार. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एक्टर्स लाइक अस. कब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड वी हैव बीन लाइक टॉकिंग अबाउट सिनेमा एंड मीटिंग एट सोशल गैदरिंग्स एंड यू नो व्हेन दिस समथिंग लाइक दिस हैपेंस आई थिंक ये विन सिर्फ हमारा नहीं, विन सबका. कुछ लोगों के फोन में मैसेज आ रहे हैं कि यार ऐसा लग रहा है कि फेस्टिव माहौल चल रहा है. यस, थिएटर में दिवाली हो रही है. दिवाली मतलब दिवाली से पहले दिवाली बन रही है. तो मतलब यार ये सब चीजें हम सुनते थे कि पहले ऐसा हुआ करता था. जब वो खुद की फिल्म के लिए हो रही होती है तो आई थिंक वो एक बहुत स्पेशल. आई थिंक इट्स अमेजिंग. आई थिंक इट्स अमेजिंग. थैंक यू अभिषेक फॉर जॉइनिंग मी ऑन जस्ट टू. फिल्मी शो का नाम है आई एम रोटॉक्स एंड ऑफ कोर्स जना इज हियर. जना, आई एम गोना फर्स्ट स्टार्ट ऑफ विद सम कैश क्वेश्चंस. दिस इज अ सेगमेंट कॉल्ड कीपिंग इट कैश. सो डोंट थिंक एट ऑल और मुझे बताओ आज सुबह कितने बजे उठे? 9 बजे उठा. 9 बजे मुश्किल से. हां 9 बजे. अच्छा. आई हैड टू स्टार्ट माय डे एट 10 o'clock सो आई हैड टू वेक अप एट 9. एक घंटे में तैयार हो जाते हो? हाँ, मतलब वही एक घंटा बोलता हूँ फिर 10:30 तक तैयार हुआ था. नहीं क्या खाया ब्रेकफास्ट में? खाया भी नहीं. नहीं ब्रेकफास्ट नहीं खाया था मैंने. I usually I skip breakfast. I don't like it. Really? So what is the first meal usually? Lunch? Around yeah 1:30 2 o'clock. Wow. जो भी, and that is my breakfast time. तो मैं उस टाइम पोहा खाता हूँ. और सबसे पहले आज किसका फोन आया था? अहमद का फोन आया था. इसी का फोन आया था कि अरे सर जाना है, याद है ना, पता है ना. हम लोग हाँ भाई पता है. और स्त्री 2 के बाद रेट बढ़ा है? हाँ बढ़ा है क्योंकि मैंने आज कोई कोड दिया और मुझे लगा कि वहां से आएगा कि सामने से कुछ नहीं आया. हम लोग ओके यार ठीक है तो हम बात करते हैं आपसे. हम लोग अबे तो मैंने थोड़ा सोच के बढ़ा दिया था ताकि वहां से कुछ रिएक्शन मिले, लेकिन रिएक्शन नहीं मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी. इतनी खुशी यू नो हम इतने मिडिल क्लास लोग हैं ना. आई नो यार बहुत ज्यादा मिडिल क्लास. हां जब हम ऐसे पूछ लेते हैं और सामने से बार्गेन नहीं करता इंसान, हमें लगता है कि भाई ये सच्ची में हो रहा है कि नहीं हमारे साथ. कमाल की शर्ट पहनी है, वो खुद की है कि नहीं ये मेरे दोस्त का ब्रांड है? क्या सवाल पूछा है. शी विल बी वेरी हैप्पी. ये सलोनी बत्रा का ब्रांड है. अरे वाह. इट्स कॉल्ड शी इज एन एक्टर. शी इज एन एक्टर. सो एनिमल की बहन गाइस. इट लुक्स एब्सोल्युटली लवली. सो आई होप यू लाइक्ड आवर फर्स्ट सेगमेंट कीपिंग इट कैश. यस इट वाज वेरी कैश बिकॉज़ ऐसे सवाल पूछने चाहिए अपने एक्टर्स से, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. बट नाउ आते हैं मेन पॉइंट पे. मेन पॉइंट ये स्त्री 2. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म बिकॉज़ दिस फिल्म हैज डन सो मच. कॉमेडी एक तरफ है, बॉक्स ऑफिस दूसरी तरफ है, बट आई जस्ट फील इन टर्म्स ऑफ एक अपनी जो लैंग्वेज है ना अपने सिनेमा की, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि हमारी फिल्में क्या है. बिकॉज अक्सर हम जब मल्टीवर्स की बात करते हैं, हम अवेंजर्स या बाकी के फ्रेंचाइजेस की बात करते हैं. हियर वी हैव आवर होम ग्रोन फ्रेंचाइज. ये क्या मायने रखता है अभिषेक? अभी पता चला कि इट्स कॉल्ड HCU. So yeah, I'm a part of HCU. नहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है यार. सबसे बड़ी बात है ना मुझे कभी HCU by the way is horror comedy universe like MCU. मुझे बहुत लोगों ने ना शुरुआत में बोला था कि यार पाताल लोक के बाद और ये सब के बाद क्या तुम यार अच्छे एक्टर हो, वहाँ जाओ. यूके में चले जाओ, हॉलीवुड जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ स्ट्रगल करो ना, आई ऑलवेज फील लाइक क्यों, लाइक ये जो धारणा है कि बाहर जाने के बाद ही अच्छी फिल्में बन सकती हैं, या इज्जत मिलेगी, हमारी तरह की फिल्में नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, ऑडियंस को ये नहीं चाहिए, ये सारी बातें मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, आई थिंक हम लोग अगर फ्यूचर हैं और हमारा हम वर्कफोर्स हैं, हम जवान हैं, तो वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस चीज को चेंज करें, राइट? सुन लो सब यहाँ। So as simple as that. I mean, so we are the workforce right now, and it is in our hands कि हम लोग उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। So I feel very special that we are a part of probable change in the industry, and when it's doing numbers also, it just gets more, जैसे कहते हैं वो मोहर लग जाता है। बिल्कुल। इससे पहले सिर्फ बातें लगती हैं कि अरे बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो, पर जब वो बड़ी-बड़ी बातें नहीं रही सर, ऑडियंस का प्यार जब मिलता है, और बोलते हैं ना जनता जनार्दन, ये पहली बार मुझे समझ में आया जनता जना है। क्या बात है, जना हो, जेडी हो, जनार्दन हो, सबके सब एक ही हैं। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस MCU, राइट, ऑफ द HCU। I have lots of favorite scenes, but I want to start by asking you, what is your favorite scene in Stree 2? अगर बहुत सबसे funny जो मुझे लगता है, वो है जब बाइक पे सरकटा आके जो काटता है, क्योंकि मुझे generally लगता है कि यार ये मतलब ये हो गया, हाँ, जो डर जना को हमेशा से था कि यार चुड़ैल उठा के ले जाएगी। और वो भेड़िया में भी सीन है, जब भेड़िया पहली बार भास्की को काटता है, तो पीछे से खड़ा होकर बोलता है अरे काट लिया रे दैया, मतलब चिल्लाता है, और वही चीज उसके साथ हो जाती है, तो जो डर था वो आ गया। बट आई रियली लाइक दैट सीन। चिट्टी कहाँ है, चिट्टियां हैं, चिट्टी है, चिट्टी वहां थी, चिट्टी छत पे थी, हाँ चिट्टी वहीं तो खोली थी, खोल दिया चिट्टी। एंड दैट वाज अनबिलीवेबल between the three characters, I think that is also one of my favorite scenes. What does it take to get, जिसे बोलते हैं ना कॉमेडी में टाइमिंग, I just feel that it's a master class in comedy timing. I don't know, I think you need to have a funny bone. No, what does it? You can have a funny bone. You can be funny. लेकिन जब चार खिलाड़ी या तीन खिलाड़ी एक साथ आते हैं, how does that happen? Is it rehearsal? Is there any space for improv? Is there crazy trust with each other? Is it all written on the page and you all do 10 times and then you all come and do it in the scene? कैसे होता है? नहीं, it is lot of trust, lots and lots of trust, lots and lots of security with each other. And also a bond which me, Raj, Apar, we have formed over the years. And of course Pankaj sir, वो senior है, तो ऐसा दोस्ती नहीं बोल सकते, पर वो उनके साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, और मिर्जापुर में भी काम किया था, तो एक comfortable है, मतलब एक दूसरे को हम बोल सकते हैं कि यार तुम ये कर लो, तुम ये ले लो, तुम मेरा ये लाइन ले लो, तुम उसका वो लाइन ले लो, ये हम कर सकते हैं, और डांट भी सकते हैं दूसरे को। क्या बात है, हाँ, अगर हमने खराब, पंकज जी को नहीं डांट सकते, पंकज जी सीरियस सीन है, लेकिन आपस में तीनों अपार में, राज इज ओके विद दैट इक्वेशन विद यू गाइस, दैट्स अमेजिंग, बिकॉज़ दैट वाज द इक्वेशन वी हैड फ्रॉम Stree 1. या सो फॉर मी राज इज द गाय आई सॉ व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग ड्यूरिंग हिज FTI डेज. For me, Apar is the guy who came to me, मतलब पाजी, मैंने दंगल किया पाजी, and I'm like अरे यार Apar है, आरजे था वो, for them I am that अभिषेक कि हाँ यार अभिषेक को हम जानते हैं, तो हम तीनों किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को जानते थे. अमर कौशिक, he's also has a very funny bone. Has to. You know, he's a very funny guy. वो मुझे बहुत बुली करते हैं वैसे. तो वो I think किसी तरह से ना हम लोगों को बांध के रखते हैं. और वो ना हमें कहते हैं ना सांडों को खुला छोड़ दो. हाँ. वो वाली बात है कि खुला छोड़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, और हम लोग दूसरे कुछ करते रहते हैं. How much of the comedy is written? Like for example, one of my favorite lines is when one of you all tells Pankaj ji, I say that. आप तो अटल हो. Oh my God. I have patted my back many times for that. I love that line. You know, Ro, I forgot about it. I did that and I forgot about it. So when I saw the movie, and you're like, ये तो मैंने किया था. नहीं, तो मैंने बोला वाह, और मैं ताली बजाने लगा कि वाह राज क्या इम्प्रोवाइज किया है, और मैं राज बोल रहा है तूने किया है. करेक्ट, क्योंकि लॉन्ग शॉट में बोलते हैं, पता नहीं चलता, और मैं पता ही नहीं चलता. करेक्ट. एंड देन आई आस्क्ड अमर कौशिक, आई एम लाइक एक मिनट ये किसने किया था, और मैंने कहा था AI ने किया था. मैंने बोला यार बताओ ना किसने किया था, बिकॉज Apparently मेरी आवाज दबी थी, तो ना AI से उसको बढ़ाया है. And I was so proud of myself कि मैंने ये सोचा. It's too good. पर वो भूल गया मैं. This is what improvisation is, that you are not doing it for the effect. You know, I'm not doing it or I'm not saying it. No, not even Raj, वो लो 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 जो पूरा करता है, वो पूरा improvise किया उसने. Really? हाँ, और apparently एक चीज बोलूँ आपको, उस improvisation को 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं. क्योंकि राइट्स लेने पड़े, तो बहुत महंगा इम्प्रोवाइजेशन था दोस्तों। राजकुमार राव ने आई थिंक हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे महंगा इम्प्रोवाइजेशन किया है। ओह माय गॉड, दैट्स क्रेजी, बट टोटली वर्थ इट, राइट? 25 lakhs for that, I think it's totally worth it. How much is written and how much is improvised? No, see the बात क्या है कि नीरेन भट्ट इज आल्सो वेरी फनी गाय, ओके? मैं उनके साथ, हम लोग यार साथ में रहते हैं और चिल करते हैं, तो दोस्तों की तरह चिल करते हैं, तो उनका ह्यूमर तो है ऑन पेपर। हम क्या करते हैं, उसी ह्यूमर को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। वी ऐड सर्टेन थिंग्स, वी डिवाइड सम थिंग्स बिटवीन अस। That's amazing. So that always happens, and this free hand, आज तक कभी नहीं हुआ है कि नीरन भाई ने आके बोला हो कि तुमने मेरी वो लाइन क्यों नहीं बोली, Thank God, या तुमने ये ऐड क्यों किया। He has given us the freedom to even add, like भेड़िया में मैंने एक पूरा सीन ऐड किया था। कौन सा वाला? जब मैं और वरुण जाके, हम लोग जाके उसको माफी मांगते, वो कहते हैं कि सॉरी भाई, और मैं बोलता हूँ, पूरा जो सीन था ना, जब मैं बोलता हूँ कि यार वो यार तीनों दोस्त ऐसे मेरे दोस्त थे और फलाना ढिमकाना, जो पूरी बात होती है, that was all added. Wow. And he let us do it, and we did it because, of course, he wrote it with us. But this is why I think this team is special. And we collaborate. Why, yeah, I was just going to say, you know, especially when it used to come to Martin Scorsese या Quentin Tarantino, हम बहुत सुनते थे उनसे कि cinema is a collaborative art form. It is. And I think that Stree 2 is the greatest example of that. Yes. Because I at no point ever felt कि किसी एक की picture है, हो भी नहीं सकती, हो भी नहीं सकती। जिस दिन वो होगी उस दिन ये फेल हो जाएगा। यू नो, हमारे, मैंने एक बहुत साल पहले ना एक प्ले किया था, हवालात, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक था हवालात। उसमें 3 चोर थे और एक हवलदार था। मुझे अभी तक याद है, हमारे जो टीचर ने ना एक ही चीज बोली थी, अगर इस प्ले में तुम में से किसी को भी बेस्ट एक्टर मिल गया तो दैट मीन्स ये समझ लेना कि तुम लोगों ने प्ले को गिरा दिया। क्या बात है, amazing, amazing, that's, and that's the beauty of some stories. Yes, it is impossible for anybody to stand out. It's that, तो वही है स्त्री का, I think, and Niren Bhatt, let me tell you, I think I have read many, मैं बहुत पढ़ता हूँ, ये सब करता हूँ यार। वो अगर कहानी लिखने पे आ जाए ना, साहित्यकार है वो, उनके पास ज्ञान बहुत है, और प्लस व्हाट ही डज इज ही यूजेस द पॉप कल्चर वेरी वेल। करेक्ट। यू नो, सो विद ऑल ऑफ व्हाटएवर इज, या विद ऑल ऑफ द माइथोलॉजी ऑफ सरकटे का आतंक और क्यों हुआ है वगैरह वगैरह, यू स्टिल हैव रूम फॉर टॉकिंग अबाउट today, you know, which I think is the best thing about the film. Also, what I find very interesting about the film is that इतनी बड़ी बात, okay, उन्होंने इतने खूबसूरती से और इतनी आसानी से कह दी, and I think that's the win of Stree. Do you want to talk about that? How important that is, or in today's context? Stree 1, when that happened, and I was shooting for it, and I've again, as I'm from Players, and we have done many gender-sensitive street plays and things like that, because Delhi, of course, is a place where I think females have faced a lot of situations on day-to-day basis, right? तो अब बात ये थी कि जब मैं Stree 1 कर रहा था, और मुझे याद है कि जब एक हॉरर कॉमेडी के साथ साथ जब एक कॉन्टेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू जब निकाला जा रहा था, तो मैंने अपार को बात बोली थी, मैंने बोला यार ये फिल्म ऊपर बन रही है, जो हमने सोचा था उसके ऊपर जा रही है। ये जब विजयराज का वो सीन आता है ना कि स्त्री कौन है, पैरों की जूती है स्त्री, और when he says that, I remember for the first time people laughed, but then there was a pin drop silence, and that's the power of cinema. क्योंकि community viewing कर रही है ना, अगर उनमें से कुछ लोगों को समझ में आया कि यार बात हो क्या रही है, तो आई थिंक देश थोड़ा बेटर होगा। बट खैर, हम कितनी ही बातें कर लें, जब तक एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ नहीं आती है, जब तक हम लोग बच्चों को, लड़कों को, खासकर छोटे लड़कों को बचपन से जेंडर सेंसिटाइज नहीं करते हैं, तब तक ये होता रहेगा। तो आई थिंक यू नो द नो, एंड आई थिंक दैट द फॉल्ट इज देयर, बट एट द सेम टाइम दैट्स व्हाई आई फील दैट द विक्ट्री ऑफ Stree 2 इज सो मच मोर इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज इसकी पॉलिटिक्स सही है, और इट्स नॉट अ माइंडलेस कॉमेडी जहाँ पर 500 करोड़ बन रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि अगर पैसे बन रहे हैं तो इस फिल्म पे बन रहे हैं, एक ऐसी फिल्म जहाँ पर टाइटल ही है स्त्री। और दूसरी फिल्म में भी वेदा थी, यू नो, एंड इट्स क्रेजी दैट दोनों में इट्स लाइक, यू नो, वुमेन आर फाइटिंग। But what a weekend that was for you. Crazy weekend. How is that? Like, let's talk about Abhishek Banerjee, the actor. मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी कास्टिंग डायरेक्टर के साइड का आज। Thank God. I'm not interested at all. ये देखा पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार. Yeah, because I mean yeah, let's get over it. Let's get over it because it's so rare for an actor to have a weekend where you have, you know, two films where you're playing completely different parts. Yeah. And I think Nikhil Advani on The Huddle told me that you have to watch Abhishek's performance, and I did, and it's completely different from Hathoda Tyagi. Yeah. So how does firstly how was that weekend? Let's talk about that. For me, it was almost like I'm a cinema lover and I'm a filmy kida, like that. And that's what I am. Like my college mein, we used to go and you know watch Friday shows. College mein matlab college mein to dil chahta hai. कोई मैं बता ही बोल रहा हूँ कि no film is bad for me that time. जो भी film hall में देखता था अच्छी लगती थी. मुझे कुछ कहना है. You know वो film तो सारी films देखता था मैं and जब भी हॉल से बाहर आओ ना तो दूसरे हॉल से ना एक आवाज आती थी दूसरे फिल्म की. तो स्पेशली जब मल्टीप्लेक्स कल्चर शुरू हुआ सो यू ऑलवेज वांट टू पीप इन एंड सी कि क्या कौन सी फिल्म में क्या चल रहा है. हाँ हाँ. Recently when I went to watch Veda and I came out and पानी लेने आया तो दूसरे हॉल से ना मेरी फिल्म की आवाज आ रही थी. I'm like यार ये कितना सरियल है यार कि बॉम्बे तुम आए हो थिएटर में एक्टिंग करने मतलब सपना लेते हो कि बड़े पर्दे पे आओगे और 15 अगस्त के दिन तुम्हारी 2 फिल्में आई हुई हैं पब्लिक देख रही है तुम्हें. एंड इट्स लाइक आई वाज टेलिंग समबडी दैट समटाइम्स आप सपने देखते हो बट यूनिवर्स हैज इट्स ओन वे ऑफ क्रिएटिंग सिचुएशंस फॉर यू जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये वो और ऐसे भी नहीं है कि एक ओटीटी पे आए हैं. आई जस्ट वांट टू से दोनों थिएटर में लगी है. थिएटर वाले एक्टर है यार. आई वांट टू आस्क यू अबाउट बहुत ही क्लीशेड है लेकिन पूछना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. Vicky Plinch. हाँ, क्या करना है इसका? I want to ask you the origin, the genesis. Just tell us everything. Nothing. वो लिखा हुआ था यार. Okay. उसमें कुछ भी improvised नहीं है. I think थोड़े बहुत end में हमने कुछ चीजें improvise की थी पर वो मेरा पहला दिन था स्त्री के शूट पे. First time I was facing the camera. मतलब इतने बड़े फिल्म पे. इससे पहले किया हुआ था but फिल्म राजकुमार राव अपारशक्ति मैं 3 लोग पता है कि मतलब बड़ी मतलब एक ठीक ठाक फिल्म बन रही है. राजन डी के बैठे हुए हैं अमर कौशिक बैठे हुए हैं यू नो मतलब तामझाम लगा हुआ एक बड़े फिल्म का पहला सीन था मेरा वो. एंड आई जस्ट हैड फन विद इट दैट्स इट. मुझे पहली बार जब मैंने सीन किया तो मुझे डांट पड़ी. क्यों अमर कौशिक इतना सेटल क्यों कर रहा है ये अज्जी का सेट नहीं है यू नो हैव फन विद इट. करेक्ट. एंड दैट वाज द पॉइंट बिकॉज़ एज एक्टर्स हम लोग कभी-कभार बन जाते हैं. हमें लगता है कि नहीं यार हमारी एक्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इसको बचा के रखो पर ये हम भूल जाते हैं कि कमर्शियल फिल्मों में आवर जॉब इज टू आल्सो एंटरटेन. बिल्कुल. और सुर अलग होता है बिल्कुल. अगर मैं इंडी स्टोलन कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे क्या सुर रखना है और अगर मैं स्त्री 2 कर रहा हूँ तो मुझे पता है क्या सुर रखना है. वेदा में मुझे पता है कि मैं जॉन इब्राहिम के साथ में हूँ तो मुझे एक सुर अलग लेना पड़ेगा. बिल्कुल. यू नो एंड दैट इज व्हाट आई थिंक एक्टर्स नीड टू आल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर मीडियम्स. Absolutely, absolutely. That's very important, and sometimes we don't do that. Sometimes we take each like ourselves too seriously. और वो नहीं लेना मुझे seriously. तो मुझे वहाँ से उस दिन मुझे समझ में आया और मैं smile के साथ मैंने वो dialogue बोला कि तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है. हाथ लाओ, विकी please. I love it. And ये जो दांत दिखाया मैंने सब हंसने लगे. फिर राज ने मुझे बोला तू एक काम कर भाई तू जब भी confusion में होगा ना दांत दिखा दे. And that actually, I mean, see, the thing is that यार बात ये भाई तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे चेहरे में क्या ऐसी चीज है जिससे लोगों को हंसी आती. कुछ तो होगा. क्या बात है. You know, everybody has that some facial expression you make and you don't know, but people are laughing or people are saying, oh, that's so cute, and you don't know कि क्यों बोल रहे हो क्यों. बिल्कुल. पर धीरे-धीरे समझ में आता है. So that's what happened to me on Stree 1, and then I realized कि अच्छा my smile is something which brings a smile on other people's faces. Tell us the best quality of the following co-stars. Okay, so सबसे पहले राजकुमार राव. Oh God, a very disciplined guy. Very disciplined guy. Really, like in a what way? Like खाने में discipline. हर चीज में. अच्छा. नहीं खाना तो ठीक-ठाक खाता है लेकिन वो बड़ा यार वो जैसे कहते हैं ना कि वो स्कूल का वो वाला बच्चा है जो कॉपी पे मतलब कवर अच्छे से चढ़ा के लाएगा. He's a good boy. He's a very good boy. वो टीचर का फेवरेट रहेगा. ठीक है. वो होमवर्क करके आएगा. ठीक है. वो सारी वो चीजें हैं जो मतलब एक टॉपर में होती है ना वो राज. परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. जॉन इब्राहिम. ओह माय गॉड. उनकी आई थिंक बेस्ट चीज यही है कि ही इज वेरी अकोमोडेटिंग. ही लेट्स योर को-स्टार्स डू. लवली. या या एंड ही डजंट लाइक यू नो ही मतलब कोई वो एयर नहीं ऑफ हिम बीइंग दैट इज लाइक कर बाबा बाबा यू डू इट बाबा. No, you're doing so good, Baba. And he's always very thankful. How lovely. You know, grateful to whoever is working for him. So I really like him. He's a sweet guy. Yeah, he's a very sweet guy. Shraddha Kapoor पे तो हम सबको crush है. What's the best quality of Shraddha Kapoor? Pure soul है यार. She's a really a girl next door. जो बात होता है ना girl next door, I think she's the one. She's very very. I think अगर वो actor नहीं होती तो मतलब I think actor होने के बावजूद भी she's so friendly to everybody. And that's what I like about her. And she's nice to everybody. I've never seen her irritated or pissed. How lovely. कभी नहीं देखा मैंने 1% मैंने कभी उनको वैसे देखा नहीं. She's always smiling. That's a very good quality to have. And she smiles like a child, yeah. Yes. वो ना बड़ी अच्छी चीज होती है जब कोई इंसान बच्चे की तरह हंस सकता है ना. That means उसके अंदर बच्चा है. बच्चा है, innocence है. अपार. अपार. अपार की best quality है उसको कभी फोन करके बोलो गेड़ी मारनी हो जाएगा. That's so true. That's true. I know this. I know this. उसकी बात ये कि कभी भी अपार को फोन करो. अपार ने मुझे फोन किया है कि हाय मैं बाहर हूँ तुम्हारे घर के नीचे आ जाओ. और फिर मैंने कहा यार 11:30 बजने रात को अपार तो कहते तो क्या हुआ. करेक्ट. मैं कहा आई एग्री विथ यू. पंकज जी वो क्या कहते हैं सरलता. वेरी सिंपल मैन. पंकज जी की एक मैं क्वालिटी बताती हूँ. आई थिंक अगर मना भी करना है तो ये आदमी कितने कमाल के हैं. मैंने कहा पंकज जी ये आपकी फिल्म बहुत अच्छी है तो एक पॉडकास्ट करते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा पॉसिबल होगा तो कहते हैं समय के अलावा सब कुछ है मेरे पास रोहिणी जी. मैंने आप पंकज जी ये आंसर के लिए थोड़े पैसे मांग लेते थे. But I love him because I just feel that he has a lot of he's a different. So ऐसे बनते नहीं है लोग आजकल. उनकी वोकैबुलरी कमाल की है. कमाल की बहुत अच्छी. Unlike me who thought vocabulary means that she's calling a taxi. It's not a bad one actually. वो क्या बोला रे? All right. It's like रुला भी दिया इसको, हंसा भी दिया इसको इंटरव्यू में. कौन किसका इंटरव्यू कर रहा है? All right. जयदीप अहलावत. And I just want to say, since yesterday, for no rhyme or reason, I rewatched all of Patal Lok again. अच्छा. Are you going to come in that series again? Is the series coming to us again? The series is coming to you guys, of course. I am not there, unfortunately. I know. I feel. Yeah, even I hate that. I feel very bad. क्यों मारा सुदीप सर? क्यों मारा? I feel very bad. It is. मुझे 2 regrets हैं लाइफ में. ये compounder जब मरा और हथौड़ा त्यागी जब मरा. मुझे generally 2 regrets हैं यार. मैं कभी सोचा नहीं था. मैं तो वैसा था कि मार दो. मुझे ना लगता था कि क्या होगा यार 2-3-4 सीजन कौन करेगा. As an actor I get bored. You know I'm like one of those. So मैं तो I was like कि हाँ मार दो यार. मुझे क्या पता था कि compounder इतना बड़ा hit हो जाएगा. And then मैंने saw him like oh shit ये तो होना चाहिए था. और हथौड़ा त्यागी के साथ भी है. और ये 2000s की एकता कपूर की सीरियल नहीं है. हाँ कि मतलब जहाँ पर मीर वापस आ सकता है. बीच में पुनीत भाई ने कोशिश की थी मिर्जापुर में 2nd सीजन में. उन्होंने कोशिश की थी कि तिल लगा के एक दूर का भाई आएगा कंपाउंडर का. पर एक्सेल ने रिजेक्ट कर दिया. बोला कि नहीं ये नहीं होने वाला. That's good. I mean that's how. But ठीक है. But पाताल लोक 2 is confirmed. Of course it's coming. वो बिल्कुल आने वाला है. और मैंने सुना है कि बहुत तगड़ा बना है. That's what I've heard. I love it. I love that show. Honestly, I've seen a lot of content, but that show will always be the best written show in this country, according to me. Yeah, I also feel so. Not because mera show hai, but I think it is the best show ever. Yeah. But Jaydeep craft, craft. That man has craft, and I'm very like always learning from him. And मैं उनसे तब से सीख रहा हूँ जब वो एकदम कुछ नहीं थे. जब वो आके ऑडिशन दिया करते थे मैं तब देखता था उनको ना कैसे कर रहा है ये आदमी यार. ये कहाँ से क्राफ्ट ला रहा है. Tell us about Varun. He's a naughty guy. बहुत and I love that about him because I think and he's मतलब I don't know why people ये down to earth और ये सब ना मुझे लगता है कि थोड़ा overrated हो गया है. I love Varun Dhawan. When he does an interview, he wants to do the interview. हाँ. He's like मैं तुमसे बेहतर कर लूँगा. He loves it. What were you doing last night? Yes. Who were you waiting with? And I just find it so. He's got that innocence. He's adorable. Yeah. He's really adorable. I मतलब I think Varun Dhawan जब छोटे होंगे ना तो बहुत ज्यादा क्यूट हुए होंगे. माँ बाप को बहुत परेशान भी किया होगा. 100%. और सब लोग उनको पसंद करते होंगे. एंड he seems like that. He has a lot of love in his heart. And that's why probably I connected with him. Yeah. Because I am all about heart. You know, for me it's मतलब मुझे ना वो समझ नहीं आता है कि कुछ भी क्या कहते हैं कोई भी इनसिक्योरिटी या कोई भी इस तरह की चीजें मुझे समझ नहीं आती. मैं बड़ा खुला हूँ. So he's very open and honest. So yeah, that. And he's a cinema lover too. Yeah. Yeah, he's a full cinema lover, yeah. And I think it's lovely. That's why we're all here, right? किसी को बोला कि फिल्म बहुत अच्छी है जब बकवास थी? नहीं, ये कहाँ होता है हमारे इंडस्ट्री में? यार मैं अमर भाई को बोल रहा हूँ ये कि यार प्लीज यार मेरा लव ट्रैक डालो यार, ये बात होती है वो बिट्टू को मिल गया है। I love the fact that there's a romance between her and पंकज जी। पर विजय भी था ना सेट पे। कितने पैसे मिले थे याद है? 1,500 रुपए। 1,500 मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा पैसे। क्या बात है। और लास्ट के लिए कितने मिले बता? हाय, दिस इज अभिषेक बैनर्जी और मैं हूँ रो टॉक्स के साथ और वो है जस्ट टू फिल्मिंग।